वेलकम बैक टू माय चैनल जियाना चौहान। तो आज है 17 दिसंबर, मतलब मामा का बर्थडे है, मतलब मेरी सासू माम का बर्थडे है। आज तो सुबह हमने ग्रह वगैरह पूजा है, पंडित जी आए थे। जैसा आप लोगों को पता ही है, एज यूजुअल सबके बर्थडे में ग्रह पूजते हैं, पूजा होती है, शाम को छोटा सा केक कटिंग है, छोटा सेलिब्रेशन होता है। तो प्लीज़ आप लोग जरूर इस ब्लॉग को भी पूरा कंप्लीट देखिएगा, स्टे ट्यून्ड एंड बी कंटिन्यू माई ब्लॉग। तो स्टार्टिंग में कर नहीं पाई ब्लॉग की, तो अब मैंने करा। जैसे अभी जैसे पंडित जी गए, उनकी विदाई करी है, साफ सफाई करी, किचन क्लीन कर दिया है, और अभी जस्ट दूध बॉईल करने रख दिया है मैंने, और अभी जस्ट फ्री हुई है। मतलब हमने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था, क्योंकि सुबह पूजा होती तो पूजा से पहले हम ब्रेकफास्ट तो कर नहीं सकते थे। तो अभी जस्ट पूजा निपटी है, तो हमने ब्रेकफास्ट लंच दोनों हमारा हो गया, मतलब ब्रंच समझ लो, हमारा ब्रंच हो गया है। देन उसके बाद हम करेंगे, थोड़ी देर में अगर भूख लगी तो फ्रूट चाट बना के खाएंगे, जो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। बी स्टे ट्यून टू माई ब्लॉग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल जियाना जॉन्स। गाइज आप लोग देखते जरूर हो ब्लॉग को, बट सब्सक्राइब नहीं करते हो और लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो अभी जब हम फ्री हुए, रिलैक्स हो गई, थोड़ी देर रिलैक्स करती हूँ, और रिलैक्स करने के बाद थोड़ा धूप सेकती हूँ बाहर। और आपको मेरा फेस का थोड़ा अजीब सा लग रहा हो, क्योंकि सैटरडे और मेरे चेहरे में जल्दी ऑयल आ जाता है, क्योंकि आज मैंने हेड वॉश नहीं किया है। मेरा हेड भी आप चिपकू चिपकू लग रहा होगा, क्योंकि सैटरडे को मैं हेड वॉश नहीं करती हूँ, तो इसलिए आपको मेरा फेस और मेरा बाल ऐसे लग रहे होंगे, री अवॉइड। तो प्लीज़ इस ब्लॉग को कंप्लीट देखिएगा, मेरे चैनल को आप उसको सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और इस ब्लॉग को कंप्लीट जरूर देखिएगा। क्योंकि आपको शॉर्ट्स में आपको इसमें ऐड कर लूँगी, क्योंकि सुबह में शॉर्ट्स ले लिए थे मैंने, बट अभी जस्ट एडिटिंग करूँगी तो उसमें ऐड कर दूँगी, तो आपको देखने को मिलेगा। आप कंप्लीट जरूर देखिएगा ब्लॉग को। अब जस्ट देखते हैं अभी क्या करती हूँ, थोड़ी देर बाहर बैठती हूँ धूप में, थोड़ा धूप सेकती हूँ, उसके बाद फ्रूट चाट बना के खाएंगे अगर भूख लगी तो, और आपसे जरूर शेयर करेंगे। तो प्लीज़ वी कंटिन्यू टू माई ब्लॉग। चलो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। पाणते धूपं दर्शयन् दीपम् आग्रहन् नैवेद्यं निवेदयामि कुलदेवताभ्यो निवेदयामि पूंगीफलतां मूलफलं समर्पयामि भ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः षोडशमातृकेभ्यो नमः दुर्गादेव्यो नमः। ए भोले बाबा अभी हटा दे। हाँ भाई हाथ से पकड़ो, ये पकड़ो जरा, एक बंदा पले ये कितना अच्छा लग रहा है ना। अरे अम्मा लो ओम डांगवा जर जरा ओम प्राणाय स्वाहा स्वाहा। हवन हो गया है, अब बनेगी पूरियां और अब दिया जाएगा भोग। तो मैंने तेल रख दिया गैस में गरम करने के लिए। बेटे आप क्या खाए, छुआरा खाए करो। उठ गई हूँ, मतलब मैं सो ही थी 2:30 बजे, उठ के अब हुआ टाइम 4:30 पौने 4, और मैं बना रही हूँ चाय, शाम की चाय। जब दिन में लंच नहीं किया तो चाय हम जल्दी पी लेंगे, क्या कर ठीक है। अब देखते शाम का क्या प्लान है हमारा, तो बताती हूँ मैं कि बन रही हुई चाय। आप भी आ जाओ चाय भाई पी लो, हम चाय पीते हैं। डन सी रुक जाओ, अभी आते हैं उनसे पूछते हैं क्या करते हैं शाम को दादी की बर्थडे का, तो बताते हैं आपको क्या प्लान है। तो मिलते हैं चाय पी के। मैं स्किन पैम्परिंग कर रही हूँ, मतलब एलोवेरा जो होता है ना, एक घर में हमारे गार्डन में एलोवेरा लगा रखा है मम्मी ने, तो एलोवेरा निकाल के पीस में रोज जो है अपने स्किन में थोड़ा उसको मसाज देती हूँ, तो मतलब उससे स्किन बहुत ग्लोइंग और बहुत ही शाइनी जाती है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, अगर आपके घर में फ्रेश एलोवेरा है तो प्लीज़ आप शाम को रोज़ फेस वॉश करने से पहले इसकी मसाज कीजिएगा, बहुत ही अच्छा ग्लो और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है स्किन में, बट मुझे तो बहुत अच्छा सूट करता है। मैंने सुना बहुतों को इचिंग होती है, बहुतों को मतलब अजीब सा वो होता है, मतलब स्किन में सूट नहीं करता है, बट मुझको सूट करता है, तो मैं इसे डेली यूज़ करती हूँ। तो वही कर रही हूँ मैं, अभी शाम के हो गए हैं 4:30, पिंजी रुद्र आने वाले हैं, तो मैं स्किन पैम्परिंग कर रही हूँ, थोड़ा फेस मसाज कर रही हूँ। अगर बाई चांस शाम को हम बाहर जाते हैं तो मेरी स्किन जो है ग्लो रहे, और वैसा कुछ होता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। हम शाम को रेडी होंगे तो उसका भी शूट जरूर लूँगी, तो आप लोग बने रहे व्लॉग में। तो मिलते हैं भी आपको थोड़ी देर में। स्कूल से आ गए, देन वो अब थोड़ा स्टडी करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा केक कटिंग करेंगे जब तक डैडी और आएंगे, उसके चाची और आएंगे, तो अभी जस्ट उनकी पढ़ाई चल रही है। तो ये ब्लैक बोर्ड का आज वर्क कर रहे हैं, आज ब्लैक बोर्ड में कर रहे हैं दोनों के दोनों। रुद्रांश सीधा बैठो, दोनों ब्लैक बोर्ड में करेंगे। मम्मा हम ब्लैक बोर्ड में करेंगे, अब कॉपी में नहीं लिखना है, क्योंकि बहुत दिन से कॉपीज में लिख रहे थे, इनकी पढ़ाई इतनी हो भी नहीं रही ना, आजकल एनुअल फंक्शन की रिहर्सल चल रही है, तो जस्ट अब इनकी पढ़ाई हो रही है, उसके बाद थोड़ी देर में चाचू और डैडी आ जाएंगे इनके, देन हम फिर केक कटिंग वगैरह करेंगे। जो भी थोड़ा बहुत शॉर्ट्स लूँगी वो आपको मैं आपको जरूर शेयर करूँगी, तो ज़रूर आप इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहें। तो मैं इनको अभी जस्ट स्टडी करा देती हूँ, फिर मिलते हैं अभी आपको थोड़ी देर में।
बहुत ही लग रहा है ना आज पर दे दो उसको यार। क्या लोड वो सजाएगा लोड कर का व्लॉग हम करते हैं। व्लॉग की एंडिंग केक कटिंग वगैरह सब हो गया, सेलिब्रेशन हो गया जो आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा। प्लीज़ व्लॉग को पूरा कंप्लीट देखिएगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल जियाना जान। तो मैंने की पैशन बोलने वाला था। तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट व्लॉग में। आई एम सो रे, तो गुड नाइट टू ऑल।